मुसलमानों में रोज़े का आगाज़ मक्की ज़िंदगी से हुआ था। चुनाचे जब हिजरत हबशा हुई तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने नजाशी के दरबार में जब ख़िताब फरमाया तो उस ख़िताब में उन्होंने ये भी फरमाया कि हमारे पैगंबर हमें नमाज और रोज़े का हुक्म देते हैं। हिजरत हबशा मक्की ज़िंदगी में हुई। जब हिजरत हबशा के वक्त हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु नमाज और रोज़े का ज़िक्र फरमा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मक्का मुकर्रमा में ही मदीना मुनव्वरा हिजरत से पहले ही मुसलमानों के अंदर रोज़े का रिवाज मौजूद था। चुनाचे बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये जो 10 मुहर्रम का रोज़ा है ये कुरैश मक्का भी रखा करते थे। मुमकिन है कि ये दीनी इब्राहिमी की कोई यादगार हो जो कि मक्का वालों के अंदर मौजूद हो। बहरहाल यौम आशूरा का रोज़ा कुरैश मक्का में भी मौजूद था और मुसलमान भी ये रखा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के रोज़ों की फर्जियत से पहले मुसलमानों को 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने की ताकीद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी मुख्तलिफ रोज़ों का एहतमाम फरमाते थे। चुनाचे हफ्ते में पीर और जुमेरात के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे। ये हफ्तावार दो रोज़े हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल तौर पर रखा करते थे और माहाना बुनियादों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रोज़े रखा करते थे। अय्याम 20 के 3 रोज़े, 13, 14 और 15, ये जो 3 दिन हैं इनको अय्याम 20 कहा जाता है कि जिन दिनों में चांद रोशन होता है। तो इन दिनों के रोज़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे और सहाबा किराम में भी इन 3 रोज़ों का रिवाज था। आज भी आप अरबों को देखेंगे कि वो पीर और जुमेरात के रोज़े भी रखते हैं हफ्तावार और माहाना बुनियादों पर अय्याम 20 के रोज़े रखा करते हैं। ये हमारे माहौल में इस सुन्नत की कमी है तो कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह जल्ल जलालुहु इस सुन्नत को ज़िंदा करने की भी हमें तौफीक दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के अलावा हफ्तावार और माहाना बुनियादों पर ये 2 किस्म के रोज़े रखा करते थे।